राजधानी पटना सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल लगातार पिछले 5 दिनों से गर्मी चरम पर है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की है कि अगर ज़रूरत हो तभी वो दोपहर के समय घर के बाहर निकले। ऐसे में इस तपती धूप और गर्मी के बीच जो कुछ लोग जो हैं जिन्हें किसी कार्य से सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, वो किस तरह से इस गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं आप तो तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक सत्तू का दुकान है जहाँ पर शुद्ध चने की सत्तू लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सत्तू पीने वाले लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और जो है कि गर्मी से राहत पाने की प्रयास कर रहे हैं। तो सत्तू के दुकान पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग हैं। सर, सत्तू पीने आए थे? जी सर। क्यों सत्तू क्यों पी रहे हैं अभी? गर्मी है, प्यास लग रहा है। प्यास लग रहा है जी। सत्तू कितनी राहत देती है? बहुत देती है राहत। बहुत राहत देती है। क्या लगता है कि इस मौसम में कितना जरूरी है अभी घर से निकलना? उतना तो खास नहीं है, लेकिन काम है तो आदमी तो लिख लेगा ही। तो क्या लग रहा है कि तरल पदार्थ का सेवन लगातार करते रहना चाहिए इस धूप में अगर निकल रहे हैं तो? इससे बचने के लिए किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? बचना चाहिए, घर में रहना चाहिए। घर में रहना चाहिए। घर में सत्तू पीने आए हैं, क्या लगता है कि सत्तू कितनी राहत देती है? बहुत देती है राहत। बहुत राहत देती है गर्मी? बहुत। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं सत्तू पीने पहुँच रहे हैं और यहाँ पर कितनी राहत, सर सत्तू पीने आए हैं गर्मी चरम पे है, कितनी राहत देती है? थोड़ा मोड़ा तो राहत मिल ही जाता है सत्तू पीने से। थोड़ा मोड़ा तो राहत मिल जाता है, पेट की गर्मी कम करती है। बस यही बात है सर। क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार मौसम एकदम चरम पर है गर्मी? अब इससे क्या कहा जाए सर, गर्मी तो बहुत है, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है, अब इससे क्या कहा जाए? कितना जरूरी है इस गर्मी में घर से बाहर निकलना? जरूरी कोई जगह इमरजेंसी है तभी नहीं, इतना अगर जरूरी कोई नहीं है तो मत निकलिए, बहुत गर्मी है। लेकिन अब नौकरी जरूरी तो है ही, पेट के लिए जरूरत है, जैसे आप निकले वैसे हम लोग निकले हुए हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, पेट के लिए ज़रूरी है, सत्तू के दुकान पर हैं, जिस तरह से ले इतनी कड़ी धूप है, कड़ी धूप के बीच निकलना पड़ रहा है, तो तरल पदार्थ का सेवन लगातार कहा जा रहा है कि करना चाहिए, तो कि सत्तू कितनी राहत देती है? हाँ, शॉर्टकट में अच्छा है, पी लिए पेट को राहत देती है, 2-3 घंटा तो रिलैक्स रहता ही है। 2-3 घंटा तो रहता ही है। क्या लगता है अभी तो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले भी 4-5 दिनों तक लगातार जो है तापमान में बढ़ोतरी होगी, ऐसे में बच्चों को किस तरह से रहना चाहिए? चूंकि बड़े तो होते हैं तो निकल जाते हैं सड़कों पर काम की वजह से, बच्चे को इमरजेंसी नहीं हो तो घर में रखिए बच्चे को, जो अपने फैसिलिटी है एसी कूलर के बीच में रखना जरूरी है, नहीं तो फिर तो दिक्कत है, तबीयत खराब हो जाता है। सर सत्तू पी रहे हैं कहाँ से आप आए हैं? बिहिया से आए हुए हैं। सत्तू पी रहे हैं बिहिया है, कितनी राहत मिलती है? क्या कहें, इतना गर्मी है, अपने जीवन काल में इतना गर्मी कभी पाया नहीं, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट रिकॉर्ड ये गर्मी मिल रहा है। अब जो है सत्तू पीने से थोड़ा सा ये है कि ठंडापा महसूस होगा, कुछ रिलैक्स मिले, इसीलिए भले खाना कम खाए खाना नहीं खाए, और ज़्यादातर नींबू पानी आए सत्तू से थोड़ा सा राहत मिलता है। ना अभी इस तरह से आपका सेल में बढ़ोतरी हुआ है इस गर्मी को लेकर के? 1000-1200 गिलास है सेलिंग। क्या लगता है गर्मी चरम पे है उसको लेकर के सेल बढ़ता है? ना हर साल का तो ये नियम है सर जी। सत्तू आप कैसे बनाते हैं, आपके सत्तू की दुकान पे काफ़ी भीड़ होती है, क्या इसमें खूबियाँ होती है? देखिए सब आइटम अपने से तैयार करते हैं, जीरा है, गुल मिर्च है, काला पाउडर है, सब अपने से तैयार करते हैं सर जी, इसलिए अपने से तैयार करते हैं जी। हाँ, किस चीज़ की सत्तू होती है? चने की है सर। कितनी राहत देती है गर्मी? गर्मी में ये पेट के लिए फायदेमंद है, धूपा गर्मी के लिए आम सत्तू कहीं भी मारते रहिए, लूप में काम करता है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं ये जो दुकानदार हैं इनका भी साफ कहना है कि जो सत्तू है और आम का जो पानी है वो लगातार पीते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी अधिक है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में जो इनके पास जो लोग कस्टमर आ रहे हैं उनकी तादाद लगातार गर्मी को देखते हुए काफ़ी बढ़ती ही जा रही है, और लोगों का भी जो कहना है कि सत्तू जो है इस गर्मी में काफ़ी राहत देती है, तो इसलिए जो धूप में अगर निकलते हैं तो उन्हें कहीं भी रुक करके सत्तू या फिर आम का जो रस होता है उसे पीना चाहिए। सर सत्तू पीने आए हैं जी? सर कितनी गर्मी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। कितनी राहत मिलती है सत्तू पीने से? बहुत राहत मिल जाती है, कम से कम ठंडक में और पेट में बहुत राहत मिलती है। क्या लगता है कि इस गर्मी में कितनी ज़रूरी है लोगों को घर से निकलना?
काम है तो बाहर निकलिए, अन्यथा घर पर ही रहिए, ज़्यादा बढ़िया। क्या सेवन करना चाहिए इस गर्मी में? सत्तू का शरबत है, आम का जोड़ा है, सब पीजिए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, आप जो भी कस्टमर्स हैं वो भी उनका कहना है कि अगर काफ़ी ज़रूरी है, काम है, तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी चरम पे है, और ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए सत्तू और आम का रस पीना अति आवश्यक है। जो भी तरल पदार्थ हैं उसका सेवन अधिक से अधिक करें ताकि गर्मी से आपको राहत मिल सके। उसी तरह ठीक दुकानदार भी कह रहे हैं कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी कस्टमरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, और प्रतिदिन 1200 से 1300 गिलास प्रतिदिन ये सत्तू बेच रहे हैं। और ये सत्तू जो बेचते हैं, इनके पास जो सत्तू पीने वाले जो कस्टमर आते हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और इनका कहना है कि ये जो भी सत्तू का पीने आते हैं वो सारा भी आइटम जो सत्तू में डाला जाता है वो सब इनका अपना घर में बनाया जाता है, जिसके कारण है कि आज इनके पास बड़ी संख्या में सत्तू पीने वालों की भरमार रहती है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।